सो हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड। और हेयरलाइन जो डिज़ाइन होती है बेसिकली आर्टिस्टिक होना जरूरी है और फेस के अकॉर्डिंग होना जरूरी है। ये काफ़ी बातें मैंने बताई है और काफ़ी बातें आपने समझी भी होगी इसके बारे में। तो आज का जो केस है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इनका हेयरलाइन किस तरह हमने डिज़ाइन किया है एंड कैसे इसको एक ऑप्टिमली इनके फेस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट हेयरलाइन हम कह सकते हैं इसके लिए। तो आप देख पा रहे हो कि इनका फेस थोड़ा सा कह सकते हैं ज़्यादा ब्रॉड फेस नहीं है, नैरो फेस है इनका। और नैरो फेस जब होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इनका वी शेप्ड हेयरलाइन बनाए। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक हल्का सा टिप दिया गया है और टिप से हल्का सा वी पार्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। और सेकेंड है कि इनका टेम्पस हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा था। ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली ये इनका जो था प्रीवियस फोटोग्राफ है और इस प्रीवियस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हो कि जो टेम्पस काफ़ी कम था इनका। ओके, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि आपका फेस ज़्यादा ब्रॉड दिखता है। ज़्यादा ब्रॉड दिखता है तो क्या होता है कि फिर आपको टेम्पस का क्रिएशन करना ज़रूरी होता है क्योंकि टेम्पल हेयर लॉस भी हो जाता है। तो इनके लिए देख लीजिए आप कि इनका सबसे पहले कि इनका एक टिप बनाया गया है यहाँ पर। और टिप बनाने से क्या होता है कि आपका एक लुक बहुत अच्छा आता है और इसे दिखता है कि जैसे आपका हेयरलाइन बहुत ही नीचे है और दिखने में मतलब बहुत ही एग्रेसिव हेयरलाइन दिखती है यहाँ पर। ऑल्दो दिस एरिया इज अराउंड 7 सेंटीमीटर जो कि अराउंड 7.5 होना चाहिए, बट इनका एक एज इस तरह का था जहाँ पर हमने 7 सेंटीमीटर के आसपास रखा है। दिस इज ओनली काइंड ऑफ टिप पार्ट दैट इज शोइंग दैट 7.7 सेंटीमीटर, अदरवाइज ये 7.5 सेंटीमीटर का अराउंड ही आपका हेयरलाइन है। साथ में टिप अच्छा होना जरूरी है, साथ में आपका जो टेम्पस है बहुत अच्छा होना जरूरी है क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में हेयरलाइन या फिर एग्रेसिव हेयरलाइन बनाते हैं ना तो डेफिनेटली उस स्टेज के अंदर आपका ये टेम्पस बहुत अच्छे होना जरूरी है। देखो टेम्पल क्रिएशन में क्या होता है कि आपका तो एज थोड़ा सा कम होना चाहिए, सेकंड आपके पास में जो डोनर एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए तभी आप टेम्पल्स के बारे में बात कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि टेम्पल्स हमारे साथ लिस्ट कंसर्न जोन होता है हमारा कि वाई बिकॉज अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है जैसे यहाँ पे लगता है कि ग्रेड 5 और ग्रेड 6 हेयर लॉस है, उस स्टेज में क्या होता है कि ये जो आपके हेयर होते हैं रफली हम 150 to 200 grafts लगाते हैं टेम्पल्स के ऊपर, इसको हमारे लिए अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज 300 के अंदर हम एक अच्छा कवरेज दे सकते हैं मिडिल में। और इनको क्या कर सकते हैं कि टेम्पल्स को हम थोड़ा सा जेंटली मॉडिफाई करके हम इस टेम्पल को हम इस तरह दिखाते हैं कि जैसे कि हमारा टेम्पल ज़्यादा हेयर लॉस हुआ नहीं वहाँ पर, तो इस तरह इसको बैलेंस किया जाता है। राइट, तो अर्ली स्टेज में हेयर लॉस के अंदर आपका ऐसी हेयरलाइन बना सकते हैं। हाँ, अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है लाइक आप 30+ है या 40+ है तो उस स्टेज में आपका आपके फेस के अकॉर्डिंग आपका एक हेयरलाइन बनेगा जो कि हल्का सा ऊपर होगा। ओके, उससे क्या होगा कि हमारा जो कवरेज है बैक कवरेज होता है चाहे मिडल और क्राउन पार्ट में कवरेज बहुत अच्छा हो जाता है। राइट, तो इसलिए इसको बैलेंस बनाना जरूरी है और आपको हमेशा फ्यूचर देखना है, आपको हमेशा प्रेजेंट नहीं देखना है। एक अच्छा आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपके फ्यूचर के बारे में जरूर बात करेगा कि आपको फर्दर हेयर लॉस होता है तो वो कैसे प्लानिंग कर सकता है उसके लिए। राइट, तो आपको हमेशा फ्यूचर प्लस प्रेजेंट दोनों को देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो आपके डॉक्टर आपको हेयरलाइन जो ऑफर करते हैं ना उसको आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। राइट, तो ये था इनके हेयरलाइन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।